श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रबल प्रतापी नौवे आचार्य आचार्य श्री तुलसी सेवा साधना सृजन और समन्वय के पर्याय कहे जाते हैं। वो सत्य अहिंसा शांति और नैतिकता के प्रस्तोता थे। आचार्य तुलसी ऋषि परंपरा के वो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी अमर कथा स्वयं समय कहता आया है, कह रहा है और कहता रहेगा। मैं समय हूं, मैं अपने भीतर कई लोगों की अमर कथाएं समेटे हुए हूं। आज मैं आपको 20वीं सदी के युग पुरुष आचार्य श्री तुलसी की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। महान व्यक्तित्व और कृतित्व वाले गुरुदेव तुलसी आध्यात्म के क्षितिज पर सूरज बनकर चमके थे। उनके पुनीत पुरुषार्थ से तेरा पंथ और जैन शासन ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति उपकृत हुई थी। उनकी इस कथा में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वाले 5 महाव्रतों की साधना का तेज समाहित है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूपी रत्न त्रय का श्रृंगार भी है। इसीलिए यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस गौरवशाली अतीत से ऊर्जा ग्रहण करे ताकि एक महान भविष्य का सृजन हो सके। आइए आपको सुनाता हूं 20वीं सदी के युग प्रधान महान साहित्यकार अणुव्रत प्रणेता आगम ज्ञाता मानवता के मसीहा महान दार्शनिक और चिंतक पद विसर्जन के महान आदर्श और संत शिरोमणि गुरु तुलसी की वो गौरव गाथा। आप भाग्यशाली हैं कि आपको गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी की गाथा सुनने का गर्व प्राप्त हो रहा है। आइए एक सुर में गाइए। ओम जय ओम जय ओम गुरुदेव मंगलकारी तुम स्वयं। ओम जय तुलसी तुलसी नाम ओम श्रीं ह्रीं अरहं शुभधाम। ओम श्रीं ह्रीं अरहं सुखधाम। ओम श्रीं ह्रीं अरहं शिवधाम। ओम जय ओम गुरुदेव मंगलकारी तुम स्वयं। ओम जय तुलसी तुलसी नाम ओम श्रीं ह्रीं अरहं शुभधाम। ओम श्रीं ह्रीं अरहं सुखधाम। ओम श्रीं ह्रीं अरहं शिवधाम। ओम जय ओम गुरुदेव मंगलकारी तुम स्वयं। ओम जय तुलसी तुलसी नाम ओम श्रीं ह्रीं अरहं शुभधाम। ओम श्रीं ह्रीं अरहं सुखधाम। ओम श्रीं ह्रीं अरहं शिवधाम। ओम जय ओम जय ओम गुरुदेव मंगलकारी तुम स्वयं। आज जिस दिव्य आत्मा को याद करते हुए आप और हम इतना भाव विभोर हो रहे हैं, जरा कल्पना करिए उनका व्यक्तित्व कितना भव्य रहा होगा। एक शब्द में कहें तो मनमोहक। गौरवर्ण, भव्य ललाट, तेजस्वी आंखें, ओज पूर्ण वाणी और सूर्य सा तेज आभा मंडल। जी हां, कुछ ऐसा ही था आचार्य श्री तुलसी का बाह्य व्यक्तित्व, जिसे देखकर लोग ये सहज ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाया करते थे। दिन था भाई दूजे का धारण की थी दे वदना झूमर का मिला पावन
20 अक्टूबर 1914 को राजस्थान के लाडनू में मां वदना जी की कोख से इस लाडले का जन्म हुआ। बालक तुलसी सिर्फ माता पिता के ही दुलारे नहीं थे, बल्कि सबकी आंखों के तारे थे। माँ, आपको पता है, मास्टर जी ने मुझे अपनी कक्षा का मॉनिटर बना दिया है। मोहक मुद्रा, कुशाग्र बुद्धि, अनुशासन और माँ से मिले संस्कार उनकी रग रग में समाये थे। वो संत दर्शन के लिए साधु साध्वियों के प्रवास स्थल पर बराबर जाते रहते थे। इसी के चलते बचपन में ही उनमें वैराग्य भाव जगा और 5 दिसंबर 1925 को महज 11 साल की उम्र में उन्होंने 13 पंथ के 8वें अधिशास्ता श्री कालूगणी से दीक्षा स्वीकार कर ली। इस तरह वो बालक तुलसी से मुनि तुलसी बन गए। प्राण प्राण में जब उठे परिवर्तन की प्यास, तब तब धरती पर उगे एक नूतन मधुमास। अरिहंतों के प्रतिनिधि मानवता के प्राण भरने आए 5वें तुलसी ने जिस संघ को अपनी साधना के लिए चुना उसके प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु। तुलसी को आचार्य भिक्षु की क्रांतिकारी सोच विरासत में मिली। दीक्षा के कुछ ही वर्षों में मुनि तुलसी ने संस्कृत और प्राकृत व्याकरण, काव्य, कोश, छंद और जैन आगम शास्त्रों का गहन अध्ययन कर संघ में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली और 16 साल की उम्र में नव दीक्षित साधुओं को पढ़ाने लगे। शायद इसीलिए तुलसी को बचपन में ही देखकर लोग कहने लगे थे कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तुलसी ने 11 सालों तक गुरु कालूगणी के सानिध्य में खुद को निखारा और महज 22 साल की छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर 13 पंथ जैसे वृद्ध धर्म संघ का उत्तरदायित्व आ गया और इस तरह हुआ तुलसी युग का शंखनाद।
कोमल लाल वदना के सुकोमल याद तुम आते हो पल पल तुलसी सिमरूं नाम तेरा हार अमृत की है कल कल लाल वदना के सुकोमल याद तुम आते हो पल पल तुलसी सिमरूं नाम तेरा सुकोमल याद तुम आते हो पल पल तुलसी सिमरूं नाम तेरा हार अमृत की है कल कल लाल वदना के सुकोमल याद तुम आते हो पल पल तुलसी सिमरूं नाम तेरा हमारा भारत देश गुरुओं का देश है, आचार्यों का देश है, महाज्ञानियों का देश है। 20वीं सदी के बहुत ही अनंत महापुरुषों में एक जाना पहचाना नाम है आचार्य श्री तुलसी। महापुरुष कहने को तो बहुत ही आसान सा लगता है सुनने में, लेकिन कौन होता है इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है। महापुरुष वो होते हैं जिनका विचार, जिनका उद्गार, जिनकी सीख युगों युगों तक उनके नाम से जानी जाती है। आचार्य श्री तुलसी के विचार, उनके संस्कार, उनके उद्गार, उनकी लर्निंग्स, उनकी टीचिंग्स हमारे यहाँ 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है और बहुत ही आज ये समझिए कि ऐसा लगेगा जैसे ये इस युग की और इन दिनों की ही बात में कोई संत जन्म लेकर और कोई गुरु जन्म लेकर हमारा मार्ग पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। मैं आचार्य श्री तुलसी जी की 25वीं पुण्यतिथि पर बहुत बहुत हमारे जितने भी अनुयायी हैं उन सबको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। तुलसी का व्यक्तित्व जितना विराट था उतना ही विराट था उनका कर्तृत्व और नेतृत्व। वीतरागता के हिमालय पर आरोहण का लक्ष्य, आध्यात्म की तीक्ष्णता, समत्व के दर्शन को आत्मसात करने का एक अटूट संकल्प, जातिवाद और संप्रदायवाद की दीवारों को ढहाकर मानव जाति को भाईचारे के पवित्र सूत्र में बांधने का एक विनम्र प्रयास। ऐसे थे तुलसी जो शिशु सी सरलता, फूलों सी कोमलता, सिद्धांतों के लिए वज्र से कठोर था और चिंतन में सागर से गंभीरता के लिए जाने जाते थे।
अगर उनके जीवन सूत्र पर आप गौर करें तब आप जानेंगे कि उनका जीवन सूत्र था संयमः खलु जीवनम्। तुलसी कृति कमनीय है अविचिन्न श्रम धार, महातपस्वी महाश्रमण करते धर्म प्रसार। धवल सेना की अधिनायक पद पर शोभायमान वीतरागों की परंपरा के प्रतिनिधि तुलसी एवं महाप्रज्ञ की एक अनुपम रचना महातपस्वी महातेजस्वी और शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण, जिन्हें देखकर गुरुदेव तुलसी की स्मृति साकार हो उठती है। आज धर्म संघ का सबल नेतृत्व करते हुए उनके अवदानों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव तुलसी के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, उस जानकारी के आधार पर जनता में नैतिकता का संस्कार पुष्ट बने, नैतिकता के प्रति रुझान बढ़े और गुरुदेव तुलसी के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो, मंगल कामना। जनक समान गुरु मिले बदला जीवन रूप, कनक प्रभा के हृदय में तुलसी परम स्वरूप। आचार्य तुलसी की जीवन गाथा तब तक अधूरी ही रहेगी जब तक उसमें मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी का उल्लेख न हो। लगभग 37 साल तक गुरु तुलसी के सानिध्य में रहने वाली ये महान विदुषी मानो गुरुदेव की ही एक असाधारण कृति हो, जिन्होंने अपने चिंतन और लेखन से गुरु के कृतित्व को उजागर किया। मेरा जीवन मेरा दर्शन नाम से 25 भागों में निर्मित आचार्य तुलसी की आत्मकथा सहित 108 भागों में निर्मित संपूर्ण तुलसी वांग्मय के संपादन का कार्य भी आपके द्वारा ही किया गया है। राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी के व्यक्तित्व का हर आयाम लोकोत्तर था। उनकी मंगल सन्निधि संशय की गांठें खोल देती थी, उनका पवित्र आभा मंडल ताप संताप दूर कर देता था, उनकी कृपा दृष्टि जीने का सहारा बन जाती थी, उनकी नाराजगी जीवन को नया अर्थ दे जाती थी, उनके वचन सफलता के सिद्ध मंत्र थे, उनका दिशा दर्शन बेबूझ रास्तों को मंजिल बना देता था, उनकी प्रेरणा पंगु को पहाड़ पर चढ़ा देती थी। गुरु के अनमोल बोल संजीवन देते, तूफानों में भी जीवन नौका खेते, गुरु अत्राणों का त्राण विश्व वत्सल है, मिलता जिससे पग पग नूतन संबल है। आइए अब जानते हैं गुरुदेव तुलसी के उन मुख्य अवदानों के बारे में जिनसे पूरी मानवता शताब्दियों तक लाभान्वित होती रहेगी। दरअसल आजादी के बाद के दौर की अगर बात करें तो देश में हाल मंजर कुछ और ही थे। तब विकास की जगह विनाश मंडरा रहा था, निर्माण की जगह विध्वंस चीख रहा था। जरा सोचिए, क्या किसी ने आजादी के बाद ऐसे भारत की कल्पना की होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन यकीन मानिए, हिंसा जाति धर्म की होड़ा होड़ ने उस दौर में भारत में कुछ ऐसा ही कोहराम मचा रखा था। देश हुआ आजाद जब हिंसा का था दौर, धर्म जाति के नाम पर देखी होड़ा
साल 1947 यानी आजादी का साल, भारत अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता रूपी इमारत विभाजन की बुनियाद पर खड़ी थी। भाषा, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और आर्थिक आधारों पर बटे हुए समाज को एक डोर में बांधना बेहद कठिन था। दूसरी ओर मृत्यु भोज, विधवा शोषण, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयों ने समाज की जड़ों को खोखला कर रखा था। देश की ऐसी दुर्दशा देखकर आचार्य श्री तुलसी का हृदय बहुत व्यथित था, जिसके बाद वो देश के सामने आए और नया मोड़ नाम से एक आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा, असली आजादी अपनाओ। नीति मूल्य के पंथ से भटक चुका था राष्ट्र, शस्त्रों के सम्मुख खड़ा हुआ अणुव्रत शास्त्र। कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, हर बदलाव के लिए काफी कुछ सहना पड़ता है। आचार्य श्री तुलसी को भी सहना पड़ा था, लेकिन वो हर विरोध को विनोद में लेते थे। वो अक्सर कहते थे, जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद। वो इस सोच के साथ प्रयत्न करते गए और सफल होते गए। ऊंच नीच को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है, इसलिए असली आजादी अपनाओ। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, तुलसी ने तब भी सहन किया और आखिर में तुलसी ही सफल हुए। जात पात की जकड़न को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, इसलिए असली आजादी अपनाओ। पुराण पंथियों ने इस बात का भी पुरजोर विरोध किया, लेकिन आखिरकार संयमी तुलसी ही विजयी हुए। उनका नेतृत्व और उनका व्यक्तित्व आज भी हम लोगों को प्रेरित करता है कि हम उनके अवदानों को याद करें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का निर्माण करें। यही हमारी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो 25वीं पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका, और अपने जीवन को पवित्र बनाने का यत्न किंचित प्रयत्न करें, इसी मंगल भावना के साथ में। इस तरह आचार्य श्री ने कई कुरीतियों पर कुठाराघात किया। इसी तरह मृत्यु भोज, छुआछूत, अंधविश्वास जैसी कई बुराइयों से जूझ रहे लोग आचार्य श्री तुलसी की तरफ मदद भरी निगाहों से देखते थे, मानो गुहार लगा रहे हों कि हे भगवान, हमारा भला कर। और तब आचार्य तुलसी मानो मुस्कुरा कर कह देते हों कि तथास्तु, असली आजादी अपनाओ। कुछ ऐसी ही आजादी की जरूरत उस दौर की महिलाओं को भी थी, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली भारत की इस भूमि पर महिलाओं की दशा उस वक्त दयनीय हो चुकी थी। उन्हें एक व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह समझा जा रहा था। बाल विवाह, अनमिल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों से वो बंधी हुई थी। एक तरफ दहेज का दानव उनके जीवन का भोग ले रहा था, तो दूसरी तरफ विवाह के बाद उन्हें घूंघट में घुट घुट कर जीना होता था। और तो और, अगर कोई महिला विधि के विधान से वैधव्य का शिकार हो जाए तो उसे बरसों तक घर के कोने में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। आह, जरा सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता होगा उसका जीवन। दिल पर हाथ रखिए और जरा महसूस करके देखिए कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें। लेकिन अफसोस, उस दर्द को महसूस करने के लिए जो दिल चाहिए था वो किसी के पास नहीं था। ऐसे क्रूर समय में आचार्य तुलसी ने नारी को एक नई पहचान देते हुए कहा, असली आजादी अपनाओ। आचार्य श्री के प्रयासों के चलते ही आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हुई नजर आती हैं। जागो बहनों, नव प्रभात ये जागृति का।
कुशलता पर सात्विक अभिमान करे, हम आज नया निर्माण करे, हम युग धारा में प्राण भरे, पूरब से हर रोज नया सूरज अब हमें उगाना है, अधिकार हौले हौले बदलाव आने लगा था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी रह गया था। आजादी के बाद देश में फैली बुराइयों के चलते नैतिक मूल्यों में कमी आ चुकी थी, जिसके चलते समाज खंड खंड हो रहा था, और देश में फैली यही बुराइयां आचार्य श्री तुलसी को चिंतित कर रही थी। तुलसी का प्रारब्ध प्रबल था और पुरुषार्थ में उनका पक्का यकीन था। यही वजह थी कि वो जो भी सोचते थे कर दिखाते थे, और इस बार भी उन्होंने जो ठाना वो कर दिखाया। उन्होंने जन जागृति के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे नाम दिया अनुव्रत आंदोलन। वो 1 मार्च 1949 का पुण्य प्रभात था। इस दिन के सूर्योदय के साथ ही आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का आगाज कर दिया, जिसका उद्देश्य था असल मायनों में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। उस दिन उन्होंने नई शैली में लोगों को प्रवचन दिया और कहा कि उजाले से अंधेरों की तलाश करने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता प्रकाश है, पर नैतिक मूल्यों का पतन अंधेरी खंदक है। मनुष्य आंख मूंद कर इस खंदक में छलांग लगा रहा है। मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता का नाम है अणुव्रत। अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है नियम। कथ्य की दृष्टि से इसका तात्पर्य है संकल्प शक्ति का विकास। छोटा सा व्रत भी व्यक्ति को महान भय से उबार सकता है। हृदय परिवर्तन के लिए ये एक प्रशस्त उपक्रम है। इसके लिए मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो स्वयं अणुव्रती बनकर जन जन में व्रत की चेतना का संचार कर सके। आचार्य श्री के इस आह्वान ने कई लोगों के अंतर्मन को छू लिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी संकल्प लूंगा। हम भी ये संकल्प लेंगे। बदलाव की महान यात्रा में सर्वप्रथम अणुव्रती बने गंगा शहर के एक दंपत्ति, जिनके नाम थे समाज भूषण सुगन चंद जी आंचलिया और मनोहरी देवी आंचलिया। तुलसी ने अणुव्रत आचार संहिता बनाई और निकल पड़े अणुव्रत आंदोलन को साकार करने, ये बताने की बुराइयां अणुमम से नहीं अणुव्रत से खत्म होंगी। उन्होंने सैकड़ों साधु साध्वियों की मंडलियां बनाई। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, असम हो या गुजरात की जनता सारी, उन्होंने गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बों और शहरों तक मीलों पदयात्राएं की। चरैवेति चरैवेति चरणवै मधुविन्दति, वो चलते रहे अणुव्रत रूपी अमृत जन जन में बांटते रहे। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं, तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। संतता जब संसद पहुंची तो उनका संदेश और शक्तिशाली हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, धर्मगुरु,
और प्रख्यात प्रबुद्ध जन आचार्य तुलसी के साथ आ खड़े हुए। इस तरह अणुव्रत आंदोलन सड़क से संसद तक और देश से विदेशों तक फैलने लगा। यहां तक कि न्यूयॉर्क की टाइम मैगजीन ने भी उनके विचारों को एटॉमिक बम शीर्षक के साथ पब्लिश किया और देखते ही देखते देश में बदलाव की एक बयार बहने लगी। मैं अणुव्रत के समस्त अनुयायियों को प्रणाम करता हूं। उनकी वाणी ने इस देश को प्रेरित किया है, इस देश को सेवा की ओर लेकर चले हैं तथा घृणा हिंसा विद्वेष ईर्ष्या से परे उनकी वाणी लेके गई है। आचार्य तुलसी भारत के महानतम संतों में अग्रणी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उन्हें 15 महान विश्व विभूतियों में गिना था। उन्होंने 62,000 मील की यात्रा की, 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे वास्तव में भारत का स्वर बन गए। उनमें हम भगवान महावीर के संदेश को पाते हैं तथा उनकी वाणी ने संत्रस्त मानवता को त्राण दिया है। उनकी पुण्य स्मृति में मैं उन्हें कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूं। वर्तमान भारत में आचार्य तुलसी के वचनों का सर्वाधिक महत्व और संदर्भ है। उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम वर्तमान संकट काल से भी मुक्त हो सकते हैं। जय जयेंद्र। आचार्य श्री तुलसी का कहना था, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन संयम मय। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम मय जीवन हो, संयम मय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम मय जीवन हो, संयम मय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अणुव्रत की परिभाषा, छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन। साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। समाज में समरसता कैसे हो? कोई जीवन की प्रथम आवश्यकताओं से वंचित तो नहीं रहा है? ये बातें गुरुदेव तुलसी को हमेशा व्यथित किए रखती थीं, जिनके समाधान के लिए उन्होंने एक अवदान दिया, जय तुलसी फाउंडेशन। है सामाजिक धर्म ये, इसका अपना पर लोकोत्तर है प्रमुख धर्म, बड़ा
जय तुलसी फाउंडेशन एक ऐसा संस्थान है जो समाज के जरूरतमंद परिवारों की सहायता करता है। इसी भावना से लगाया गया ये पौधा आज गुरुवरों के आशीर्वाद से एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। इस संस्थान द्वारा हर माह करीब 650 परिवारों को आर्थिक संपोषण दिया जाता है। आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये फाउंडेशन अपने सामाजिक धर्म का बखूबी निर्वाह करता है। चाहे कर्नाटक की बाढ़ हो या फिर गुजरात के भुज का भयावह भूकंप, इस फाउंडेशन ने मानव जाति के कल्याण के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। और तो और कोरोना जैसी त्रासदी में भी जय तुलसी फाउंडेशन के द्वारा प्रधानमंत्री सहायता कोष में 5 करोड़ का आर्थिक अनुदान प्रदान किया है। आचार्य तुलसी तेरापन धर्मसंघ के प्रबल प्रतापी आचार्य हुए। उनकी प्रशासनिक क्षमता अद्भुत एवं बेजोड़ थी। संपूर्ण संघ का सुचारू संचालन और समाज के विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संगठनों के गठन की प्रेरणा दी। आज उन्हीं संगठनों के माध्यम से संपूर्ण धर्म संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिससे पूरा समाज लाभान्वित हो रहा है। मानवता के कल्याण में अपनी सारी शक्ति, श्रम, संयम और ऐसे कहें तो संघीय कृतित्व को जिन्होंने जोड़ दिया, संप्रदायों की सीमाओं में एक अप्रतिबद्ध व्यक्तित्व का अमिट इतिहास में अमिट आलेख लिखा गया, ऐसे युग पुरुष, ऐसे युग दृष्टा हमारे तेरापन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी। आज गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की 25वीं पुण्यतिथि पर मैं अपनी ओर से अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समस्त युवा शक्ति की ओर से गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के प्रति भावांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सिक्त नमन और वंदन करता हूँ। एक ऐसे युग दृष्टा जिन्होंने तेरापन धर्म संघ को विश्व पटल पर अपने शासनकाल में नई ऊंचाइयां प्रदान की, जिनके दूरदृष्टि चिंतन के साथ में कि युवाओं को संघ के साथ कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को संस्कार के साथ संघ सेवा में कैसे लीन किया जाए, उस दूरदृष्टि चिंतन के साथ उन्होंने अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद का गठन किया। आज ऐसे महापुरुष की 25वीं पुण्यतिथि पर हम उनके द्वारा प्रदत्त हर उस राह पर, हर उस इंगित और ऐसे कहें तो हर उस दिशा पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तेरापन धर्म संघ ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाई। मानव कल्याण हेतु कार्य करते हुए अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण हेतु न्योछावर कर दिया। आचार्य तुलसी ने अपने 60 वर्षीय शासन काल में नैतिकता का संबोध एवं जन जीवन में चरित्र की चेतना को जागृत करने के लिए भारत के अनेक प्रांतों में पैदल यात्रा कर मानवीय मूल्यों की अलख जगाई। उन्होंने न केवल जैन समाज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में अपना जीवन खपा दिया। ऐसे मानवता के मसीहा आचार्य श्री तुलसी की पुण्य स्मृति में निर्मित नैतिकता का शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए उपासना और ध्यान साधना की उपयुक्त तपस्थली है, जहाँ प्रतिवर्ष अनेक महाप्रयाण दिवस पर विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उनकी स्मृति को जीवंत रखने में यह स्थान, यह तपस्थली एक बहुत उपयुक्त स्थल है। इस वर्ष उनका 25वां महाप्रयाण दिवस है। इस अवसर पर संस्था शिरोमणि तेरापंथी महासभा परिवार की ओर से तथा संपूर्ण तेरापन समाज की ओर से मैं हार्दिक अभ्यर्थना करते हुए अंतहीन श्रद्धा समर्पित करता हूँ। शुभ भविष्य है सामने, ओम अरहम, जय जिनेंद्र। काम धेनु जिन धर्म की विश्व भारती ख्यात, तुलसी का सपना सुखद लगता है अवदात। शिक्षा, शोध, सेवा, साधना और साहित्य,
इन पांच सकारों को साकार करने वाली और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में तेरा पंथ की कामधेनु है जैन विश्व भारती, जहां जैन आगमों के शोध का कार्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अवदान जीवन विज्ञान का प्रचार भी यहां से होता है। तुलसी अध्यात्म नीडम में प्रेक्षा ध्यान के शिविर आयोजित होते हैं। मयूरों के मधुर निनाद, साधकों के पवित्र संवाद और ध्यान के अनहद नाद से यह भूमि लगातार पवित्र हो रही है। यहां जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, आगम शोध जैसे कार्य निरंतर चलते हैं। भारतीय संस्कृति, प्राच्य विद्या, जैन दर्शन, मूल्य परक शिक्षा और नैतिकता को प्रचारित प्रसारित करने के लिए गुरुकुल पद्धति पर लाडनू में बना एक विशिष्ट शिक्षण संस्थान है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। आचार्य तुलसी के सपनों का समाज साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत इस विश्वविद्यालय में अहिंसा, जैन एवं जैनेतर दर्शन, संस्कृत, प्राकृत, प्रेक्षा ध्यान सहित अन्य नियमित अकादमिक विषयों पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध परक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। 20वीं शताब्दी में आध्यात्मिक क्षितिज पर उभरा एक नाम था अनुव्रत अनुशासता आचार्य तुलसी। इस महान व्यक्तित्व का महत्तर योगदान था भारतीय संत परंपरा को पुनर्जीवित करना। राष्ट्रीय अस्मिता को संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा त्याग एवं संयम। उनके आचार्य काल के प्रारंभ का मुख्य अवदान था स्त्री शिक्षा। अनुव्रत आंदोलन उनके अवदानों में मील का पत्थर बना। आचार्य तुलसी एक ऐसे संत पुरुष थे जिन्होंने समाज एवं संघ को भविष्य के लिए तैयार किया। जो क्रांतियां उन्होंने की वो किसी एक व्यक्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना उनके कर्तृत्व की एक मुख्य कड़ी है। आज उनकी पुण्यतिथि पर जैन विश्व भारती संस्थान परिवार और मैं हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संयमः खलु जीवनम्, और इसी संयम को धारण करते हुए आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में करीब 1,00,000 किलोमीटर पदयात्राएं करके मानवता के संदेश बांटे। धर्म ध्वजा को आसमान की ऊंचाइयों में फहराते हुए वे पांव पांव चलते रहे और संपूर्ण भारतवर्ष को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते रहे। हमने अपने जीवन में धर्म को जाति, वर्ण, संप्रदाय, वर्ग, भाषा, प्रांत आदि विवरण से ऊपर उठा लिया, उठाने का प्रयत्न किया। और इसी तरह चलते चलते साल 1997 में वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ के साथ बीकानेर के गंगा शहर में पधारे और आत्मचिंतन के लिए यहाँ के बोथरा भवन में 15 दिनों तक एकांतवास किया। इसके बाद वो गंगा शहर के तेरापंथ भवन में पधारे। आत्म साधना के लिए भवन बोथरा भव्य, फिर तेरा पंथ भवन में चुना पंथ है। जून 1997 की तारीख, गुरुवर तुलसी तेरापंथ भवन में भक्तों को मंगल पाठ सुनाकर अपने कक्ष में पधारे। रुकना तो वो जानते ही नहीं थे, विश्राम जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे, लेकिन जीवन और अंतिम विश्राम यानी मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। गुरुदेव लेखन कार्य करवा रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मानो संसार में अंधकार छा गया। जन जन में प्राण भरने वाला अविरल पांव पांव चलता वो सूर्य मानो ठहर गया। गुरुवर तुलसी महाप्रयाण कर गए और इसी के साथ गंगा शहर तेरापंथ की धर्म धरा से तेरापंथ की पुण्य धरा हो गया। हुए अचानक ही विदा, है तुलसी महाप्राण।
चकित है जन सभी, सुनकर महाप्रयाण। होनी तो हो चुकी थी, अपने बीच से अपने भगवान के यूं चले जाने पर भक्त स्तब्ध थे और पूरा धर्म संघ निशब्द। सबके मन में व्याकुलता थी, नीरवता थी। जैसे जैसे सबको मालूम पड़ता गया, वैसे वैसे देश दुनिया से उनके अनुयायी और विशाल जनमेदिनी उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। तेरा पंथ भवन से गुरु की भव्य सब यात्रा चली, दर्शनों के हेतु जनता हो रही थी पावली। मौन पे कोटी में सोए धर्मवानों के पिता, सबने देखा एक सूरज को जलाती है चिता, सबने देखा एक सूरज को जलाती है चिता। अनुयायी नीर बहाए, महाप्रज्ञ जी धीर बधाए। अनुयायी नीर बहाए, महाप्रज्ञ जी धीर बधाए। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाए, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। धर्मव्रते नमामि हम, कर्मव्रते नमामि हम, गणाधिपते नमामि हम, मोक्षगते नमामि हम। दो नयन क्या फिरे, असंख्य नेत्र ढल पड़े, दो चरण क्या मुड़े, असंख्य दिल पिघल पड़े। जब कोई महापुरुष अज्ञात की यात्रा पर चल पड़ता है, तब उसके पीछे छूट गए पदचिन्हों को समय की बारिशों में धुलने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उसे एक विरासत की तरह संजो कर रखा जाता है। मानव जाति विकास के सर्वोच्च पायदान पर इसीलिए पहुंची है क्योंकि उसने संजोने लायक तत्वों को सहेजना सीखा है, और आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान उसी गौरवशाली इतिहास का एक दस्तावेज है जिसे सहेजा है बीकानेर की धर्मधरा ने। छोटी काशी नाम से बीकाना विख्यात, संत कपिल की भूमि है, कोलायत परिज्ञात, देशणोक की भूमि पर मां करणी का स्थान, धृत सिंचित मंदिर सुखद, भांडा सर जग भान। छोटी काशी के नाम से विख्यात बीकानेर की धर्मधरा, जिसके एक तरफ देशनोक में करणी माता का विश्व विख्यात मंदिर है, तो दूसरी तरफ कोलायत की तपोभूमि, और तो और प्रसिद्ध जैन भांडासर मंदिर भी तो यहीं पर बना है। यहां के सुनहरे धोरों की सुंदरता
खूबसूरत हवेलियों की उत्कृष्टता और जूनागढ़ किले की भव्यता का तो कहना ही क्या। इसीलिए तो यहाँ के लोग आई लव बीकानेर कहते हैं। बीकानेर की भुजिया की चरकास और रसगुल्ले की मिठास से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी बीकानेर के गंगा शहर में नैतिकता का शक्तिपीठ रूपी तीर्थ धाम बनाया गया। गणाधिपति ने है चुना गंगा शुभ धाम, पुण्य भूमि का वर दिया कर अंतिम विश्राम। गंगा शहर, वो धरती जहाँ के महाराजा गंगा सिंह जी के आग्रह पर गुरुदेव तुलसी ने आचार्य बनने के बाद अपना प्रथम चातुर्मास और फिर अपना अंतिम प्रवास यहीं पर किया था। गंगा शहर, वो धरती जो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की चयन स्थली है। गंगा शहर, वो धरती जिससे महाप्रज्ञ अलंकरण का पवित्र इतिहास भी जुड़ा है। महाश्रमण जी का युवाचार्य के रूप में मनोनयन और आचार्य तुलसी का 25वां पटोत्सव धवल समारोह भी तो यहां हुआ था। उसी गंगा शहर में बनी है आचार्य तुलसी की अंतिम विश्राम स्थली नैतिकता का शक्तिपीठ, जिसकी व्यवस्था के लिए बनाया गया आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान। वो संस्थान जो गुरुदेव तुलसी के अवदानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित और गतिशील है। गुरुदेव तुलसी के चरणों में कोटि से नमन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में सहभक्ति वंदना, साध्वी श्री प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में वंदन। आचार्य तुलसी के 25वें महाप्राण दिवस पर अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। युग पुरुष आचार्य तुलसी ने अपने विराट व्यक्तित्व से जो जन कल्याण के कार्य किए उसे समाज कभी भुला नहीं पाएगा। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान गुरुदेव के उन्हीं अवदानों को आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री महाश्रवण जी के आशीर्वाद से नैतिकता का शक्तिपीठ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। गुरुओं का आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। मैं आचार्य प्रवर के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। ओम अरम। कर्म अमर तुलसी तेरे सदियां रही निहार, कौन कहे तुम छोड़ कर चले गए संसार। आचार्य श्री तुलसी रूपी आस्था का यह दीपक जलता रहे, उनका जीवन दर्शन, उनके विचार और संकल्प जन जन तक पहुंचते रहे। इस उद्देश्य से साल 2000 में आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान द्वारा गंगा शहर में तुलसी समाधि स्थल की स्थापना की गई थी। तब आचार्य महाप्रज्ञ ने इस स्थल को नैतिकता का शक्तिपीठ नाम दिया था। यह स्थल तेरा पंथ का तीर्थ धाम कहलाता है। आइए आपको भी नैतिकता का शक्तिपीठ की विशेषताओं से रूबरू कराते हैं। नैतिकता का शक्तिपीठ में कदम रखते ही मन में शांति पसरने लगती है, हृदय शुभ भावों से भरकर हिलोरे लेने लगता है, चित्त में सुकून महसूस होने लगता है, आप अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। यही इस तीर्थ धाम की विशेषता है। परिसर के बीचों बीच संगमरमर की सफेद छतरी के नीचे आचार्य श्री तुलसी की समाधि बनी है,
जिसकी भूमि में आचार्य श्री का अष्ट धातुओं से बना अस्थि कलश स्थापित है। इस समाधि के चारों तरफ आचार्य श्री तुलसी की विभिन्न मुद्राओं में चार तस्वीरें बनी हैं, जिनको देखकर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की स्मृतियां तरोताजा हो उठती हैं। अमर व्यक्तित्व, महान कृतित्व, लाखों दिलों के तीर्थ धाम, मानव कल्याण का संकल्प लेकर कदम बढ़े अविराम, अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष, निष्प्रिय योगी, संत निष्काम आचार्य श्री तुलसी का पुण्य स्मरण। आपको शत शत प्रणाम, आपको शत शत प्रणाम। साधक समाधि स्थल के सामने बैठकर आचार्य तुलसी का ध्यान करते हैं। आंखें आस्था में डूबकर बंद हो जाती हैं। हाथों में माला, होंठों पर गुरुवर का नाम और मन में गुरुवर की तस्वीर। ये ध्यान हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां एक साधक का उसके गुरु के साथ मिलाप होता है और गुरु अपने साधकों को संदेश रूपी आशीर्वाद देते हैं। आराध्य को नमन। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में मेरा भाव भरा सत सत नमन। परम पूज्य आचार्य परवर के चरणों में मेरा सत सत वंदन। तेरा पंथ के प्रबल प्रतापी आचार्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एक बहुआयामी और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन में एक नहीं अनेक विशेषताएं थी। वो एक क्रांतिकारी आचार्य थे, वो युग दृष्टा थे, वो युग सृष्टा थे। उन्होंने हमेशा युग की, समाज की, मानवता की वर्तमान समस्याओं को समझा और समाज की विभिन्न कुरीतियों को मिटाया। उनके द्वारा जो कार्य संपादित किए गए उसके लिए उन्हें सिर्फ हमारा समाज ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति युगों युगों तक याद करेगी। अणुव्रत के रूप में उन्होंने समग्र विश्व को जो अवदान दिया उसकी एक अमूल्य देन थी। छोटे छोटे व्रतों द्वारा कैसे व्यक्ति अपना, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, यही अणुव्रत का सार है। गुरुदेव तुलसी के ही शब्दों में, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अणु का सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान उन्हीं महान गुरु के अवदानों को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा है। नैतिकता का शक्तिपीठ एक पावन जगह है, एक आध्यात्मिक जगह है। परम पूज्य आचार्य परवर महासमण जी के आशीर्वाद से हम गुरुदेव तुलसी के अवदानों को विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए गतिशील और कृत संकल्पित है। आप सभी का आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान की तरफ से हार्दिक स्वागत है। गुरु चरणों में मेरा सत सत नमन, सत सत वंदन। ओम अहरम। आचार्य श्री ने जीवन में संयम को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए संयम खलु जीवनम का संदेश दिया, जिसका अर्थ है संयम ही जीवन है। वो अक्सर कहा करते थे कि जो व्यवहार आपको पसंद नहीं उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आचार्य तुलसी अपने परिचय में कहा करते थे, मैं सबसे पहले एक मानव हूं, फिर धार्मिक व्यक्ति, फिर साधनाशील जैन मुनि और आखिर में तेरा पंथ का आचार्य हूं। गांवों में अपने उपदेशों के दौरान गुरुदेव अक्सर कहते थे, मैं यहां न वोट मांगने आया हूं, न ही नोट मांगने आया हूं, मैं तो आपके जीवन की खोट मांगने आया हूं। आचार्य श्री के इन संदेशों में जीवन का सार समाया हुआ है। साधक इन संदेशों से अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नैतिकता का शक्तिपीठ में चारों तरफ हरियाली फैली है, जगह जगह फूल खिले हैं, सुगंध बिखरी है। यहां की शीतल छांव में शांति और अध्यात्म का जो संगम होता है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सुबह से शाम तक यहां श्रद्धालु आते रहते हैं, आचार्य श्री को नमन करते हैं और जाते वक्त अणुव्रत संकल्पों को अपने साथ ले जाते हैं। नैतिकता के पंथ पर चले सतत अविराम,
ऐसे भाव जगा रहा शक्ति पीठ अभिराम। शक्तिपीठ के बाद आइए अब आपको आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान के दूसरे आयामों और प्रकल्पों से भी रूबरू करवाते हैं। इसमें आपको मानवता, सेवा, निष्ठा और समर्पण की झलकियां साफ तौर पर नजर आएंगी। नैतिकता का शक्तिपीठ में ही बना है अनुव्रत मंच, जहां समय समय पर राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। साल 2014 में तेरापंथ धर्म संघ ने 150वां ऐतिहासिक मर्यादा महोत्सव यहां मनाया था। इसी मंच से ही भारत सरकार ने आचार्य तुलसी स्मारक सिक्का जारी किया था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आचार्य महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में इस सिक्के का लोकार्पण किया था। इसी तरह समाधि स्थल के पास ही आचार्य तुलसी चित्र दीर्घा बनी है, जिसमें पूज्य श्री की जीवनी को चित्रों में सहेज कर रखा गया है। इस चित्र दीर्घा का अवलोकन करके लगेगा मानो आप आचार्य श्री की जीवन यात्रा को करीब से देख रहे हैं। गुरुदेव तुलसी ने हिंदी, राजस्थानी, संस्कृत भाषाओं में 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। यहाँ के तुलसी राजस्थानी शोध संस्थान पुस्तकालय में उन किताबों को सहेज कर रखा गया है। इस लाइब्रेरी में 12,000 से भी ज्यादा किताबें रखी गई हैं। यहाँ आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई जा सकती है। शक्तिपीठ के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं। शक्तिपीठ के सामने बने आशीर्वाद अतिथि गृह में उनके आवास और सत्कार भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था है। अतिथि देवो भवः की तर्ज पर उनके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को अपने गुरु की पुण्य धरा पर बैठकर आध्यात्मिक चिंतन करने में किसी तरह की परेशानी न हो। आपने वो गीत सुना है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जबकि इंसान को सबसे ज्यादा साथ की जरूरत दुख के वक्त में ही होती है। इस संस्थान ने मानवता की सेवा का एक ऐसा ही पावन काम करने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। कैंसर पीड़ित के लिए है यह रिसर्च सेंटर बना, सेवा का संसार। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में देश का 13वां रीजनल कैंसर सेंटर बना है, जिसका नाम है आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर, जिसका निर्माण आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा हुआ है। इस सेंटर में बना कैंसर हॉस्पिटल, पैलिएटिव सेंटर, प्रेक्षा कॉटेज, ऑपरेशन थिएटर भी इसी संस्थान की देन है। यहां स्थापित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट सैकड़ों लोगों को जीवन दान देती है। जन मन और धन के सहयोग से बने इस कैंसर सेंटर में कैंसर का इतना सस्ता इलाज किया जाता है कि यहां दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। आलम यह है कि बठिंडा से बीकानेर आने वाली ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन के नाम से जानने लगे हैं। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान का साथ में जुड़ना प्लस एक पूरे समाज का हमारे साथ जुड़ना और पूरी सेवा भाव के साथ, हमें आज तक कभी भी किसी भी चीज़ की इस तरह से कमी महसूस नहीं हुई कि हम इस चीज़ को किस तरह करें।
जब भी हमने शांति प्रतिष्ठान में या समाज में हमने जब भी अपना कोई प्लान रखा, तुरंत ही डोनर्स तैयार हो गए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि बोन मैरो सेंटर जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट का जो शुरू हुआ है, इसमें जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट का फैसिलिटी हासिल कर लेता है। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से और उनके प्रयासों से ये बोन मैरो जो यूनिट हमारी बनी है अभी लगभग 1.5 से 2 करोड़ की लागत से बनाई गई है। और इसकी खास बात ये है कि पूरे भारत में ये सबसे कम लागत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, न केवल राजस्थान से बल्कि आसाम से, यूपी से, पंजाब से जो लोग आए हैं उनका भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया हुआ है। और बहुत से लोग जो हैं दूर दूर से अभी इसके बारे में अपने यहाँ पे इंक्वायरी भी करने लग गए हैं कि यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। इसके लिए हम आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान का लिए बहुत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से और उनके प्रयासों से ये बोन मैरो जो यूनिट हमारी बनी है अभी लगभग 1.5 से 2 करोड़ की लागत से बनाई गई है। और इसकी खास बात ये है कि पूरे भारत में ये सबसे कम लागत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। आचार्य श्री तुलसी के आशीर्वाद से हजारों मरीज गंभीर बीमारियों से भी स्वस्थ होकर जाते हैं और हृदय की गहराइयों से इसे गुरुदेव तुलसी की कृपा बताते हैं। मैं 2017 से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ। 2017 में भर्ती हुआ था। यहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छा ख्याल रखते हैं। गुरुदेव आचार्य तुलसी की कृपा से मैं ठीक हो रहा हूँ। यह संस्थान मानवीय सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। आचार्य श्री तुलसी ने अपना सारा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया था और उनके इन्हीं महान कर्मों की वजह से जनमानस ने उन्हें सर आंखों पर स्थान दिया और कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। हालांकि तुलसी वो शख्सियत हैं जिनसे पुरस्कार भी पुरस्कृत महसूस करें, लेकिन तुलसी ने जन भावनाओं का मान रखा। साल 1971 में तेरापंथ धर्म संघ ने आचार्य तुलसी के युग परिवर्तनकारी कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें युग प्रधान पद से सुशोभित किया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गुरुदेव को यह पद प्रदान किया था। साल 1986 में गुरुदेव तुलसी को राजस्थान विद्यापीठ की तरफ से भारत ज्योति अलंकरण से नवाजा गया। इसी तरह साल 1993 में राष्ट्रीय एकीकरण समिति दिल्ली की तरफ से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आचार्य श्री को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया था। 20 अक्टूबर 1998 को उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने आचार्य तुलसी स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो कुछ ऐसा था आचार्य श्री तुलसी का विराट व्यक्तित्व। ऐसे संत शताब्दियों में केवल एक बार अवतरित होते हैं, उनके बारे में जितना कहें उतना ही कम पड़ जाता है। सेवा, संकल्प, श्रद्धा और समर्पण जैसे भावों के साथ आप भी एक बार नैतिकता का शक्तिपीठ आइए और इस पुण्य धाम को वंदन कर अपना जीवन सफल बनाइए। प्रेम अटल हो जय जय धर्म संग अभी चल हो संग संग पति प्रेम अटल हो जय जय धर्म संग अभी चल हो संग संग पति प्रेम अटल हो जय जय धर्म संग अभी चल हो संग संग पति प्रेम अटल हो खिला है प्रभु यह तेरा पंथ मिला है हम सब का सौभाग्य खिला है प्रभु यह तेरा पंथ मिला है एक सुगुरु के अनुशासन में एकाचार विचार विमल हो प्रेम अटल हो जय जय धर्म
सा यह एकीपन, मिलकर सुंदर संग संगठन, चीर नीर सा यह एकीपन है। अब सुन संग मर्यादा, विनय और वात्सल्य अचल हो, शब्दों में कैसे बतलाऊं, श्रद्धा भक्ति के भावों से पुण्य तिथि पर भेंट चढ़ाऊं, जिसका हर चरण विश्व कल्याणी भावना से उत्प्रोत, जिसका हर वाक्य माधुर्य रस बरसाता निर्जर, जिसका हर व्यवहार अनेकांत का उदाहरण, जिसके न मठ न मंदिर न संस्थान न आस्थान न मकान न प्रतिष्ठान न कोठी न कुटिया न फ्लेट न फार्म न कहीं तीर्थ धाम और न मुकाम, जिसको न चाहिए वोट न चाहिए नोट, जो लेता सबकी खोट, विश्व को दिया जिसने अनमोल अवदान, प्रेक्षा ज्ञान अनुव्रत जीवन विज्ञान, अपार भीड़ में भी जो था बिल्कुल अकेला, और अकेले में भी जिसके चारों तरफ था अनोखा मेला, वो कौन? वो न चक्रवर्ती न सम्राट, विचारों से व्योमवत विराट, अलख योगी अनुयोगधार, आगम वाणी का अनुसंधाता, अध्यात्म चेतना का सशक्त स्वर, काल जय महर्षि गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी। तेरा पंथ के नवम अधिशास्ता, जन जन के तारण हारे हैं, जिन शासन के आभा मंडल में गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं, आगम प्रवक्ता अणुव्रत अधिनायक, ओजस्वी वक्ता मधुर संगायक, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माता, मानवता के रखवारे हैं, गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं, सूरज सा तेज सिंह सी गर्जन, अपने हाथों से किया अपना पद विसर्जन, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की धनी, मां वदना के दुलारे हैं,
गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं। पुरुषार्थ प्रबल अथक परिश्रम था विकास की राह पर जिनका हर कदम, जिनके अद्भुत अवदानों से फैले जग में उजियारे हैं, गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं। हे युग पुरुष, हे युग प्रधान, कैसे करें हम तुम्हारा गुणगान, है शब्दों की सीमा पर भाव असीम हमारे हैं, गुरु तुलसी दिव्य सितारे हैं। नभ को प्रकाश देकर उजागर करे उसको सूर्य कहते हैं, शीतलता से मन को तृप्त करे उसे चंद्रमा कहते हैं, धीर गंभीर प्रकृति से ध्यानस्थ करे उसे समुद्र कहते हैं। प्रकाश, शीतलता और गंभीरता के त्रिआयाम को संत तुलसी कहते हैं। कहते हैं सूर्य को दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह मुनि तुलसी के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई विरला ही होता है जो कि नवकार मंत्र के पद के अंदर प्रतिष्ठित हो सकता है, ऐसे वीर योद्धा है संत तुलसी। सत्य अहिंसा के देशना द्वारा बने हो जैन शासन की शान, संघ के नायक संघ की आन, तुम हो संघ के वीर हनुमान।